हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि इस सिचुएशन में अभी भी आप सेफ हैं और घर पे ही हैं. वहीं रहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सिक्योर जगह है आप लोगों के लिए. और जैसा कि मैंने ये नोटिस किया है कि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने क्लास ट्वेल्थ की बुक्स से रिलेटेड, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो. मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ये पर्सनली बताया है थ्रू व्हाट्सएप टेक्स्ट एंड थ्रू कॉमेंट्स एज वेल, जो अर्लियर वीडियोज़ हमने अपलोड की थी, कि डाउट्स बहुत सारे आ रहे हैं. अभी कई बच्चों के हाफ ईयरलीज चल रहे हैं, कईयों के ख़त्म हो चुके हैं, तो उसमें स्कोर काफ़ी कम रहा है उनका. और क्योंकि यहाँ पे अभी फ़ेस टू फेस कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, आप कोचिंग्स में जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, देर आर सेवरल रीजंस. स्कूल्स भी नहीं ओपन हुए हैं अभी, तो बहुत सारी सिचुएशंस अभी बच्चों के दिमाग में हैं कि हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम कैसे सिक्योर करेंगे गुड मार्क्स, हमारे फिर बोर्ड्स आ जाएंगे. और अभी CBSE ने अपना न्यू सैम्पल पेपर भी लॉन्च किया है जिसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ट्रू फॉल्स, जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं. मगर जो स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो उनको मैं क्लियरली बता दूँ कि रीजनिंग क्वेश्चंस आर द बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो हर बच्चे को आने चाहिए, ट्रू फॉल्स जिनको हम बोलते हैं. और ये 11th स्टैंडर्ड से ही हमारे अंदर होना चाहिए कि हर चैप्टर से रिलेटेड हम रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहें. तो इसी चीज़ को पूरी तरीके से कवर करने के लिए जो ऑफ क्लासेस है वो फिर से लाइव सेशंस अपने सब्जेक्ट्स के स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक्स. वी आर स्टार्टिंग द लाइव सेशंस अगेन जो हमने पहले इनिशियली किए थे. और जो उसके टाइमिंग्स रहेंगे वो रहेंगे फ्राइडे, एवरी फ्राइडे. जो अभी कमिंग फ्राइडे आ रहा है, इस फ्राइडे से, दैट इज़ ऑन 23rd अक्टूबर, इकोनॉमिक्स की लाइव सेशन स्टार्ट हो रहे हैं. और टाइमिंग्स जैसे मैंने बताए, 4 PM से तुम्हारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. 4 to 5 PM का तुम्हारा सेशन रहेगा. आई होप कि आप सब बच्चे इस सेशन को अटेंड करें. और क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपको प्रॉपर शेड्यूल हम देंगे. और वो जो शेड्यूल है, दैट इज़ गिवन इन PDF फॉर्मेट, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड करिए और उस पूरे शेड्यूल को हम फॉलो करते जाएंगे. इफ़ इन केस अगर आप 23rd वाली क्लास मिस भी कर देते हो, तो इट डजंट मैटर, क्योंकि वो रिकॉर्डेड लाइव क्लास आपको ऑलरेडी YouTube पे मिलेगी. और आपको पता होगा कि अगले फ्राइडे कौन सा टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गिवन ऑन दैट पर्टिकुलर शेड्यूल. तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. एंड विल ट्राई, आई विल ट्राई ऑन माई पार्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवीजन है वो पूरी तरीके से कवर करवाऊँ, और जो आपके क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, उनको पूरी तरीके से सॉल्व करूँ, ताकि आप भी चाहेंगे और मैं भी चाहूँगी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा रहे और आप अच्छे से स्कोर करिए अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में. ठीक है, तो हम मिलते हैं इस फ्राइडे को, दैट इज़ ऑन 23rd अक्टूबर. टाइमिंग्स बार बार मैं बोल रही हूँ, टाइम दिमाग में रखना, 4 PM हम स्टार्ट कर देंगे अपना लाइव सेशन. एंड मेक श्योर कि आप ये क्लासेस ज़रूर ज़रूर अटेंड करें और अपने सब्जेक्ट को सीरियसली लें. तो मिलते हैं फ्राइडे को. सी यू.